हेलो गाइस, वेलकम टू इंडो नेपाल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची के अचार। मेथी दाना लिया आधा चम्मच, एक चम्मच सरसों दाना लिया है, डेढ़ चम्मच सौंफ ले रही हूँ, ये टेबल स्पून छोटे साइज का है उसे हम डाल रहे हैं, धनिया दाने डाल रहे हैं डेढ़ चम्मच। तो इस तरह से अब इसमें हम पीले वाले सरसों डालेंगे एक चम्मच। अब इसको हम गैस पे अच्छी तरह से थोड़ी देर भूनेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, बस ऐसे भूनेंगे। हल्का सा इसके कलर चेंज होएगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से अभी हमने भून लिया है। अब थोड़ी देर इसको ठंडा करने रखा है। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होएगा, मिक्सी के जार में इसको हम डालेंगे, फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मोटे मोटे ही रखेंगे, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मसाला हमें थोड़े मोटे मोटे ही चाहिए। तो इस तरह से हमने अब इसको पीस लिया है, मोटा मोटा है। तो अब मिर्ची में हम नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार आधा चम्मच, और हल्दी पाउडर डाल रहे हैं आधा चम्मच। तो इस तरह से अभी हमने नमक हल्दी मिला लिया है, जो हमने पीस के रखा था मसाला वो सारे अब इसमें हम डाल रहे हैं। तो इस तरह से अब डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे सरसों के तेल। अब तेल आराम से डालेंगे और हिलाएंगे ताकि कितना तेल चाहिए इसमें पता चल जाता है। तो इस तरह से अभी हम मिलाएंगे। ये मसाला है सूखा तो ये काफ़ी सारा तेल पी जाता है। तो इस तरह से मिला के हम रखेंगे। तो ये अचार काफ़ी देर चल जाता है, 4-5 महीने आराम से चल जाता है, इसमें ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह हम जितनी मर्जी बना के रख सकते हैं, बहुत सिंपल है और खाने में उतनी ही टेस्ट।